हेलो स्टूडेंट्स, वेरी प्लीजिंग वेलकम टू यू ऑल एंड हैव अ प्लीजिंग क्लास विद द न्यू इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म टू. एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द प्रीवियस टॉपिक स्टार्टेड इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज डेविंचर. एंड इन दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस लेक्चर, इन दिस टॉपिक, वी विल डील with some important terminology of the Devincher and deal with them so that we may have some clear concept regarding the Devincher and its terminology, which from which we often confused and got in dilemma that what these concepts are. And in this class we will deal with the with these concepts in a very clear manner and go through the other aspects of the Devincher also, so that you could have a clear command on the Devincher. So let's start. Initially we will talk with the coupon rate. Coupon rate means the rate of interest mentioned on the certificate. Rate of interest mentioned on the certificate. If nothing is specified in the debenture, it is called zero coupon bond, okay, or zero coupon debenture, okay. Means अगर हमारे debenture के certificate पे जो भी percentage लिखा हुआ है, हम अगर उसकी बात करें तो इसी percentage rate को हम कूपन रेट की ओर जो है इंडिकेट करते हैं. और अगर यहाँ पे जो भी 2%, 5%, 3% जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, उसी रेट से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. यानी सपोज करते हैं, अगर पब्लिक से हमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया और उसके आगे लिख दिया 1,00,000 रुपीज एट द रेट 10% पर एनम. यानी इस एक साल के बाद हम इस 1,00,000 पे 10,000 रुपए एज अ इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर कंपनी ने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्पेसिफाई नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो कंपनी के जीरो कूपन बॉन्ड के बेसिस पे किया जाएगा. यानी If company do not specify any rate of interest, it is called zero coupon bond. Then the company is not liable to pay a specific interest on the loan taken by the company. ठीक है. तो पहली चीज हमने देखी क्या, पहली चीज थी जीरो कूपन रेट. कूपन रेट का मतलब द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is mentioned on the coupon, or you can say which is mentioned on the document, okay. The whatever the interest is rate is mentioned on the coupon, on the document, the company is liable to pay that amount as an interest, okay. And if the company do not mention that any interest rate, then this is called zero coupon bond, okay. So let's deal with the another concept, that is collateral. So let's deal with the another concept, that is collateral. Collateral means additional, okay. Collateral literally means additional. Additional means some extra, okay. When we talk about this terminology in the terms of debenture, we are talking about the collateral security interest concern. Then when we talk about collateral security, it means the additional security or some extra security that has been kept by the company for covering, for making safe, for guaranteeing the payment of the loan taken from the public. यानी अगर हम बात करें कि अगर हमने सपोज 1,00,000 रुपए का लोन लिया पब्लिक से, ठीक है,
हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया पब्लिक से, और इसके अलावा हम अगर बात करें उस लोन पे हमने 50,000 या 80,000 या में भी 1 लाख का ठीक है सिक्योरिटी रख दिया, कोई फिक्स असेट्स रख दिया, ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी होगी वो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमारी सिक्योरिटी पे पूरा पूरा भरोसा नहीं है और वो चाहती है कि हम इसके अलावा कोई और सिक्योरिटी रखें, तो ऐसी कंडीशन में जो एडिशनल सिक्योरिटी रखते हैं हम, जो एडिशनल सिक्योरिटी रखते हैं उसी एडिशनल सिक्योरिटी को कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। ₹80,000 फिक्स असेट्स एज अ कोलेट्रल, ठीक है। तो लेट्स डील विद दिस एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का लोन लिया, और कंपनी लोन को सेटल नहीं कर पाती है, तो सबसे पहले इस प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल आउट किया जाएगा, इसकी वैल्यू से हम सेट ऑफ करेंगे वो लायबिलिटी जो हमने लोन के रूप में ली है, और इसके बाद भी हम मान लीजिए कि अगर इससे पूरा पूरा रिकवर नहीं करा पाते हैं तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो रिमेनिंग वैल्यू पे होगी हमारे उस सिक्योरिटी से जो हमने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखा है। यानी अगर मान लीजिए इस असेट्स को सेल करके हमें 80,000 ही मिलते हैं, तो इसके बाद हम उस फिक्स असेट्स को जो हमने कोलेट्रल के रूप में रखा है उसको सेल करेंगे, और सेल करके रिमेनिंग 20,000 को जो है यूज करेंगे फॉर द रीपेमेंट ऑफ दिस डेट, ठीक है। होप कि आपको कोलेट्रल का और कोलेट्रल सिक्योरिटी दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोलेट्रल मीन्स एडिशनल और समथिंग एक्स्ट्रा। When we talk about the collateral security, it is the security that has been given by the company to the lending institution, to the institution that has granted the loan or the borrowing to the company as a additional security, then this is called collateral security. यानी कंपनी जो है जब हमारे secure जो lender होते हैं उनको प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा उनकी अश्योरेंस के लिए उनकी सेफ्टी के लिए कोई एडिशनल सिक्योरिटी रखती है, तो उस एडिशनल सिक्योरिटी को हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। इन केस कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट टू द पेमेंट, तो ऐसी कंडीशन में यही 1 लाख की जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को हम सेल आउट करेंगे, प्राइमरी सिक्योरिटी को पहले से सेल आउट करेंगे, और अगर उससे पूरी रिकवरी नहीं हुई तो रिमेनिंग रिकवरी हम अपने कोलेट्रल सिक्योरिटी से करते हैं, ठीक है। होप आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेट्रल। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बाकी की टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे प्राइमरी लायबिलिटी की। तो प्राइमरी लायबिलिटी मीन्स दैट हैज बीन प्रेफर्ड फर्स्ट, और यू कैन से पेड इनिशियली। जब हम किसी सिक्योरिटी को प्रिफरेंस पे देते हैं, उसको पहले फोकस करते हैं, यानी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस सिक्योरिटी को हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। उस लायबिलिटी को जिसकी पेमेंट में प्रेफरेंस मिले उसको हम प्राइमरी लायबिलिटी कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि प्राइमरी इज फोकस फर्स्ट, ठीक है, जब हम किसी भी चीज को पहले फोकस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस या फोकस फर्स्टली। जैसे हम बात करें कि अपनी एकेडमिक्स में हमने सबसे पहले 12th में हमने क्लास सेंटर नहीं किया होगा, सबसे पहले हम प्राइमरीज में गए होंगे, इवन नर्सरीज में गए होंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है नर्सरी पास करने के बाद LKG UKG ये सब करने के बाद तब हम क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड इस तरीके से जो है नीचे से आए हुए हैं। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होती है
इनको हम बोलते हैं दैट आर फोकस्ड फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आप क्लास वन में जाएंगे, फिर क्लास टू में जाएंगे, इनका रैंक रैंक अलॉटेड है और इसी रैंक के बेसिस पे आप अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फोकस किसको करना है, जो प्राइमरी वाले हैं, क्योंकि अगर बच्चा बचपन से कमजोर हो गया, अगर आपको ए बी सी डी प्रॉपर नहीं आई, अगर आपको 1 2 3 टेबल अच्छे से नहीं आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसको चाहे जितना अच्छा पढ़ा दिया जाए, यू कांट सर्वाइव विद दैट, है ना। तो इसलिए हम अपने छोटे बच्चों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज भी फोकस करती हैं, ठीक उसी तरीके से कंपनी भी अपनी उन लायबिलिटीज़ को पहले फोकस करती है जो उनकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है। जैसे अभी हम लोगों ने डिफरेंसेस की बात की थी, डिवेंचर्स और शेयर्स की, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमने बताया था कि वाइल बेनिफिटिंग, वाइल रिडम्पशन, वाइल रिटर्निंग, वाइल रीपेमेंट, द ऑर्डर टू बेनिफिट इज इनिशियली वी विल डील विद द डिवेंचर बिकॉज इट इज कंसर्न विद द आउटसाइड पार्टी, लेटर ऑन वी विल पे एंड वी विल सेटिस्फाई अवर प्रिफरेंस शेयर होल्डर एंड लास्टली वी विल पे आउट द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो दिस इज वॉट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेनिफिट। तो ऐसी कंडीशन में जिसको हमने प्रिफरेंस दी, जिसको पहले फोकस किया, वो जो है हमारी प्राइमरी लायबिलिटी होगी, ठीक है। और जो लायबिलिटी हम बाद में फोकस करते हैं वो सेकेंडरी लायबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए हम ऑर्डर की बात करते हैं सिक्योरिटीज की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है। तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी उसको हम पहले रीसेल करेंगे और बाद में अगर उससे पेमेंट रिकवर नहीं होती है तब हम जाते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटीज की ओर, या जिसको हमने कोलैटरल सिक्योरिटी का नाम दिया, ठीक है। तो ये जो है वो ऑर्डर है। तो जिस सिक्योरिटी को हमने पहले यूज किया, जिस सिक्योरिटी को हमने प्रेफरेंस दी इन द रियलाइजेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट, दैट इज ट्रीटेड एज द प्राइमरी लायबिलिटी, ठीक है। होप आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी लायबिलिटी। प्राइमरी लायबिलिटी का मतलब कि जो लायबिलिटी पहले क्लियर की जा रही है या जिसकी पेमेंट पहले होगी उसे हम प्राइमरी लायबिलिटी कहेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रायोरिटीज की। तो प्रायोरिटीज का सेंस होता है प्रिफरेंस, ठीक है। प्रिफरेंस का मतलब होता है फोकस हमने किस पे पहले दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दो तरीके की प्रेफरेंसेस हम देखते हैं, प्रेफरेंसेस ऑन रिटर्न वेदर यू कैन से द रिडम्पशन बेनिफिट, ओके, एंड इट आल्सो फोकस ऑन द रिडम्पशन बेनिफिट। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर हमने अभी पहले डील किया वही ऑर्डर यहाँ भी डील होगा, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डील करेंगे हम अपने डिवेंचर होल्डर को, फिर उसके बाद डील करेंगे हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, और लास्ट में हम अपने डील करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। यही ऑर्डर हमारे रिडम्पशन में भी फॉलो किया जाएगा और यही ऑर्डर होता है प्रायोरिटीज का भी। बट व्हाइल मेकिंग द कंसिडरेशन, व्हाइल मेकिंग द प्रेफरेंसेस इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में ये अपोजिट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में जो प्रायोरिटीज हम देंगे, डिसीजन मेकिंग की प्रायोरिटीज पहले हम जो है इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, और हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को तो बिल्कुल देंगे ही नहीं, क्योंकि दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मैनेजमेंट, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव देयर सजेशन इन द मैनेजमेंट
plan. Okay, so these are the area of priorities on which we will assign the preferences to the various investor of the company. Hope I have cleared the concept of priorities. और यानी कि हमने यहाँ कहा क्या कि प्रायोरिटीज जो है, प्रायोरिटीज का मतलब प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस का मतलब हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने कहा कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर की बातों को। इसके बाद हम बात करते हैं अगर अलाउड है और परमिशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो कुछ सेक्टर्स में हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी बात को कंसीडर करते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर डिवेंचर होल्डर्स की परमिशन को बिल्कुल भी हम कंसीडर नहीं करते। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो दे आर नॉट ऑल्सो इंटाइटल्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और दे आर नॉट इन्वाइटेड फॉर डिसीजन मेकिंग प्लान प्रोसेस। ओके, but when we talk about the payment, when we talk about the redemption benefit, then redemption benefit or payment are just opposite to the decision making preferences. जब हम decision making preference की बात करते हैं तो equity को पहले, फिर preference को, last में debenture holders को, लेकिन redemption benefit या return benefit में ठीक इसका उल्टा होता है। सबसे पहले हम settle down करते हैं debenture holders को, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को अगर पैसा बच गया तो। इसके बाद ठीक यही कॉन्सेप्ट हमारा रिडम्पशन में चला आता है कि डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, होप आई हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट टू यू। इसके बाद हम बात करेंगे टेन्योर की, यानी उस टाइम पीरियड की जो टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अलॉटेड किया गया है टू सेवरल पर्सन। ठीक है, जैसे जो टाइम पीरियड जो है हमने असाइन किया है, ओबलाइज किया है टू द पर्सन फॉर विच, फॉर होम वी हैव टेकन अ लोन, टेकन अ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक। अगर हमने पब्लिक से कोई लोन, कोई इन्वेस्टमेंट ले रखी है तो उसकी रिटर्निंग की जो ओब्लिगेशन पीरियड है या उसके रिटर्निंग की जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड को हम टेन्योर कहते हैं या मैच्योरिटी टाइम कहते हैं। और इस मैच्योरिटी टाइम के बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पेमेंट की बारी आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो है जैसे ही वो टाइम पीरियड मैच्योर होता है, वो ओब्लिगेशन हैव टू सेटल बाय द कंपनी। जब हमारा टेन्योर, जो हमारा टाइम पीरियड है वो मैच्योर होगा तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी कि हम उस पेमेंट को सेटल डाउन करें और उस लायबिलिटी को क्लियर करें। ठीक है, तो ये था हमारा टेन्योर का कॉन्सेप्ट, जहां हमने बताया कि टेन्योर क्या है, टाइम पीरियड है या वो ओब्लिगेशन पीरियड है जिसकी मैच्योरिटी के बाद हमें जो भी लायबिलिटी हमारी है उसको सेटल करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी लास्ट टर्मिनोलॉजी की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिडम्पशन मींस रीपेमेंट। ठीक है, व्हाट दिस रीपेमेंट इज, द रिटर्निंग ऑफ पेमेंट दैट हैज बीन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब कंपनी एक पर्टिकुलर लोन, एक पर्टिकुलर लायबिलिटी, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, एक पर्टिकुलर बोरोइंग किसी भी पब्लिक से ले करती है, पब्लिक के किसी भी पोर्शन से करती है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो पेमेंट होती है, उस पेमेंट की जो रिटर्निंग होती है, या यूं कह लें उस पेमेंट की जो रीपेमेंट होती है, उसी को हम रिडम्पशन प्रोसेस कहते हैं। द कंपनी इज ओब्लाइज्ड टू पे द डेट वट एवर इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, बट
कंडीशन में भी स्पेसिफाइड, कंडीशन शुड बी स्पेसिफाइड इन एडवांस, ठीक है। जब भी कंपनी लोन लेती है या कब जब भी कंपनी अपनी लायबिलिटी क्रिएट करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी लायबिलिटी वो जो है ले रही है, उस लायबिलिटी को रिटर्न किस टाइम पीरियड पे करेगी, किस वैल्यू के साथ करेगी, कौन कौन से बेनिफिट देगी, ये सारी चीजें कंपनी एडवांस में लेते समय ही बता देती है। होप कि कॉन्सेप्ट आपको रिडम्पशन का क्लियर हुआ होगा। डिबेंचर के केस में इसकी रिडम्पशंस भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं रिडम्पशंस की, रिडम्पशन के कॉन्सेप्ट की। तो रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिडम्पशन इज अ रीपेमेंट और रिटर्निंग ऑफ द पेमेंट ऑफ द कंपनी दैट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड फॉर विच द कंडीशन should be specified in advance and the company have to make sure that these liabilities are settled down as per the condition that has been declared by the company in advance. Okay, hope I have cleared this concept. Iski accounting treatment hum log aage baat karenge, apne next topic mein baat karenge. Abhi humne aapko jo hai teen cheezon ki baat ki, kuch डिबेंचर के कॉन्सेप्ट को समझाया हमने कि डिबेंचर क्या होता है, वहाँ हमने आपको बताया कि डिबेंचर क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, जो एक सिक्योरिटी होती है कंपनी के लिए, जो सर्टिफाई करती है हमारे डिबेंचर्स को, हमारे डेब्ट को जो कंपनी ने लिया है फ्रॉम द पब्लिक, और इसके अलावा वो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करती है फॉर विच द कंपनी टेकन द लोन फ्रॉम द पब्लिक। इसके अलावा हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स की बात की, कुछ की फीचर्स की बात की हमारे डिबेंचर्स की, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात की हमने अपनी कंपनी के लिए कि डिबेंचर कंपनी जो है डिबेंचर्स से रिलेटेड डील करती है, तो कौन कौन सी स्पेशल टर्मिनोलॉजीज हमें देखनी होती है, उन टर्मिनोलॉजीज में हम क्या क्या चीज़ें फोकस करते हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, ये सारी बातें हमने की। और इसके बाद जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तो हम ये जानेंगे कि हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी, और किस तरीके से उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरीके से उसकी कलेक्शन की पेमेंट जो है, यानी जब हम इशू करते हैं तो उस इशू में किस तरीके से हम अपने पेमेंट को सेटल डाउन करते हैं, और किस तरीके से हम उससे मिलने वाले कलेक्शन को अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, लाइक जो भी इंटरेस्ट हमने ओबलाइज किया हुआ है, वो ऑब्लिगेशन हम कैसे सेटल डाउन करते हैं, कैसे हम उस ऑब्लिगेशन की पेमेंट करते हैं, और उस पेमेंट के बाद जो है कैसे हम उस पेमेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड एट द मैच्योरिटी ऑफ द बुक एट द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम किस तरीके से उसकी पेमेंट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट की पेमेंट करते हैं, उस डिबेंचर की पेमेंट करते हैं, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमें अभी इस चैप्टर में, इस यूनिट में जाननी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, होप वी विल एंजॉय दिस यूनिट एंड स्कोर अ बेटर मार्क्स विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज टर्म टू एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि यही शेयर डिबेंचर, यही सारी चीज़ें आगे आपको बीकॉम या आपकी जो भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं उन सारी स्टडीज़ में, उन सारे लेवल में आपको फेस करना है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम लोग सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से डील करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में डील करेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज़ पे कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि आप जब अपने एग्जामिनेशंस में जाएं तो कंफर्टेबल फील करें, जब अपनी लाइफ में जाएं तो उनको जो है इस पोजीशन में रहें कि बाकी लोगों को भी समझा पाएं, और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे की जो भी आपकी पढ़ाई है उसमें भी ये जो नॉलेज है वो आपकी फ्रूटफुल हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।